नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जू। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान के 13 जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा शामिल है। वहीं 12 अन्य जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसमें जयपुर, अजमेर, पाली, अलवर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और टोंक शामिल है। राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी वोटर को रिझाने के लिए अब नया नारा लाई है। इसका अब घर घर जाकर प्रचार किया जाएगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण गौड़ ने कहा कि पार्टी ओबीसी मोर्चा सदस्यता अभियान में प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चढ़ कर योगदान देगी। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जयपुर हेरिटेज के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी है। ऐसे में अब मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस बीच यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का भ्रष्टाचार के मामले में फंसी मुनेश गुर्जर को लेकर बड़ा बयान सामने आया। मंत्री खर्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 24 घंटे इंतजार कीजिए, कल की तारीख में खुशखबरी मिल जाएगी। शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 2 अभी तक पूरी नहीं हुई है। विवादित सवालों के कारण ये भर्ती अटकी हुई है और अब इस भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थी सोमवार से अपने परिणाम की मांग को लेकर डॉक्टर करोयलाल मीना के आवास पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने परिणाम नहीं निकालने को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। झुंझुनू में मुखबिर को अपनी समस्या अधिकारियों को बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकारी कार्यालय में लगे QR कोड स्कैन करने से एक वीडियो कॉल जनरेट होगा। वीडियो कॉल से नुपुर संस्थान की वो प्रतिनिधि जो मुखबिर की साइन लैंग्वेज को समझते हैं, वो मुखबिर लोगों की पीड़ा को संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने मद्रासी कैंप का दौरा किया और उन लोगों से बातचीत की जो उन्हें भेजे गए नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बबीता फोगाट को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उनके पिता महावीर फोगाट बोले, हर किसी को टिकट नहीं मिलता, पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सोच विचार करके लिया है, पार्टी जो तय करेगी उसे मानना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवार के नाम है। अब तक पार्टी ने 29 उम्मीदवार उतार दिए। श्रीगंगानगर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने को लेकर खासा विवाद हुआ। इस विवाद को शांत कराने के लिए अधिकारियों को माफी तक मांगनी पड़ी। बैठक में श्रीकरणपुर के विधायक रुपिंद्र सिंह कुन्नर और अनूपगढ़ की विधायक शिमला नायक विशेष रूप से उपस्थित थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा विधायकों के प्रोटोकॉल में खड़े न होने पर मामला गर्म हो गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने सोचा नहीं था कि वो 300-400 सीटों के करीब है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन ढा गया है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।